Hi everyone, this is Bilal Ashraf. I'm Fawad Alam. And we are back with Jubilee Befikr moment of the match, HPL PSL 8, Lahore versus Quetta. Meri team haar gayi. Aaj hamare saath hain Pakistan ke premier fast bowler Shaheen. Sabse pehle to bahut bahut mubarak ho aapki shaadi. Kaisa lag raha hai aapko? Thank you Bilal bhai. Acha lag raha hai. Life is great because वो नज़र आ रहा है कि वो पुराना शाहीन वापस आ गया कि आते साथ जो आके एल बी लिए और वो क्लासिक शाहीन जो आ गए तो इसका मतलब है गुड लक बहुत लेके आई हैं दुआएँ आई हैं आपके लिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे इस न्यू जर्नी पे लाइफ के कराची से आप लोग मैच हारे थे और आज क्वेटा जो जिसकी जो मैं मेरी टीम को आपने हरा दिया तो कोई बात नहीं लेकिन क्या कुछ आज डिफरेंट बड़ा आप शुरू से फ्रॉम द वर्ड गो टीम बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी आपकी बिल्कुल देखिए राशिद के आने से हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग होगी बॉलिंग लाइन और पहले से 5-6 ऐसे ऑप्शन है कि वो एनी टाइम रेडी होते हैं बॉलिंग के लिए आई थिंक फ़खर और शेहब के अलावा इवन फ़खर भी बॉलिंग करते हैं हमारे लिए तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है और हम ये चेक कर रहे थे कि दूसरे मैच में कि हमारी बैटिंग कैसे आखिर में खेलती है बट ओवरऑल जैसे हमारी पिछले साल कॉम्बिनेशन अच्छा था बॉलिंग में तो इस साल अभी भी ये ट्राई किया कि हम बॉलिंग के लिए जाएंगे सेकंड ओके अच्छा शाहीन राशिद खान तो आए हैं आज आपके पास बट ये है कि अगले मैचों से हमने सुना है कि शाय होप आपके पास नहीं होंगे दस्तयाब और उनकी जगह कौन आ रहे हैं और दूसरा ये है कि हमने देखा कि यार मिडल ऑर्डर में जो है आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो आप लोगों को लंबी हिटें चाहिए तो वो अब तक लाहौर के अंदर जिस तरीके से जाना जाता है हफीज़ भाई थे लास्ट टाइम तो वो नहीं तो उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है फवाद भी पहले आपने कहा कि शेहब जा रहे हैं बिल्कुल पहले तो उसको मुबारकबाद है वो क्या वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन भी बना है और दूसरा ये कि उसकी जगह हमारे पास सेम बिलिंग आ रहे हैं और सेम बिलिंग और जॉर्डन आ रहे हैं जॉर्डन कॉक्स आ रहे हैं दोनों विकेट कीपर है और मिडिल ऑर्डर ओपनिंग भी कर सके दोनों तो आई थिंक दोनों काफ़ी अच्छी ऑप्शन आ रही है हमारे साथ और आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर में रन करना आई थिंक कमरान गुलाम हमारे पिछले साल भी अच्छा स्कोरर था बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक दो मैच खेलेगा तो उसको वापस वो कमरान गुलाम वापस आ जाएगा शाहीन आपके ख्याल में जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच क्या था उस पॉइंट पे जहां आपको पता चल गया था कि बस अब गेम आपके फेवर में चली मेरे ख्याल से जब डेविड वीज़े बॉलिंग के लिए आया और उसने गप्टल को आउट किया आई थिंक वो हमारी टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि जाहिर सी बात है गप्टल काफ़ी अच्छा प्लेयर है और स्ट्राइक अच्छा करता है बिल्कुल अच्छा शाहीन कितना मुश्किल होता है प्रेशर तो होता होगा लाइक जब आप कप्तानी भी करते हैं फिर मेन बॉलर भी हैं लाहौर के अंदर के और बहुत सारी चीज़ें बंदा देखता है यस इन्जॉय करता है लेकिन स्टिल जब बंदा मैच हारता है टीम को पूरा आपको उठाना पड़ता है नेक्स्ट मैच के लिए आने के लिए तो कितना मुश्किल होता है उस टाइम और भी मेरे ख्याल से मुझे आप काफ़ी जानते हैं कि मैं कैसे फील्ड में अपने आप को रखता हूँ और ड्रेसिंग रूम में कैसे रखता हूँ बट एक चीज़ है कि अब एज अ प्लेयर आप अपने में ज़्यादा रहते हैं कि आपने बॉलिंग कैसी करनी है फील्डिंग में कैसे एज अ कप्तान आपका ये रोल है कि आपने पूरी टीम को कैसे लेके जाना है और सिर्फ 11 प्लेयर नहीं जो खेल रहे हैं जो बाहर बैठे हैं जो पानी लेके आ रहे हैं जो हेल्पर हैं आई थिंक उनके लिए भी हमने सोचना है कि वो कैसे आके आएंगे कैसे परफॉर्म करेंगे तो मेरी कोशिश है कि सबके साथ एक जैसे रहूँ जैसे फ़खर के साथ हूँ वैसे ज़मान के साथ रहूँ जैसे राशिद के साथ हूँ वैसे जल्लाद के साथ रहूँ हमने देखा आपका एग्रेशन जैसे आपने बोला कि आपको तो पता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कैसे हो जैसे हमने तो आपका एग्रेशन देखा हुआ है चलें ग्राउंड में तो आपका एग्रेशन देखा हुआ है अब आप माशाल्लाह घर में अब किसका एग्रेशन चलता है ये भी ज़रा बताएं पब्लिक जानना चाहती है कि घर में कैसा एग्रेशन होता है वो हमने अभी तक नहीं देखा मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए इसका जवाब नहीं दे वो नहीं जवाब तो नहीं दे सकते इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता नहीं हम आप दोनों से पूछता हूँ आप दोनों मैं तो यार अभी फ्री आदमी हूँ इससे पूछे आप नहीं नहीं इनसे भी पूछे वो फ्री है वो उनको पता है हाथ खड़े होने हैं तो इसलिए वो कर ही नहीं रहे वो बचे में तो कटे में बिल्कुल इसके हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ दैट्स ट्रू वेल दैट्स ट्रू एक्चुअली हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग होंगी क्योंकि उनके वाइफ साहब क्रिकेट खेलते थे बिल्कुल तब ये भी खेलते क्योंकि आसान नहीं होता क्रिकेटर की जो लाइफ होती है एक एक्टर की लाइफ मुश्किल होती है दोनों अपने आप को बचा रहे शाहीन मुझे ये बताएं कि आपकी इंजरी कैसी है जो आपको हुई थी नहीं कि आप बिल्कुल बहुत एक आप इंजरी से आउट हुए थे और आपने कमबैक की अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पे काम किया है और टेस्ट क्रिकेट काफ़ी मिस की पाकिस्तान के अहम सीरीज़ मिस किए ये इसलिए मिस किए कि मेरी जो आगे वाली क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए उसके लिए मैं रेडी रहूँ क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड कप की तरह जल्दी आऊँ फिर जाऊँ तो फिर आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी वो मुश्किल है अगर मैं फिट हूँ तो मैं परफॉर्मेंस करूँगा पाकिस्तान के लिए तो मेरे लिए भी अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा तो ये सिर्फ जहन में रखा है और इसलिए थोड़ा सा रेस्ट किया था रेस्ट इसलिए किया था कि फिजियो उनके साथ प्लान करके ऐसे थैंक यू सो मच आपका और गुड लक आगे आने वाले मैचों के लिए और आप लोग इसी तरह परफॉर्म करते रहें ताकि हम प्ले ऑफ में देखें और आप इसी तरह हमारे पास दोबारा वापस आते रहें इंशाल्लाह गुड लक ऑल द बेस्ट फॉर लाहौर कलंदर्स वेल दैट्स ऑल फ्रॉम जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच सी यू नेक्स्ट गेम जुबली इंश्योरेंस बेफिक्र मुस्तकबिल